हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इस गिरते हुए मार्केट में लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप ऐसे शेयर आपने ऐड करते रहना चाहिए पोर्टफोलियो पे जो कि अभी सस्ते दाम में मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे ही फाइव बेस्ट आईटी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जो कि फंडामेंटल एक्सलेंट है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, जो कि आप बाद में स्टडी करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो कल के फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। और मार्केट हरदम गिरेगा ऐसा ही नहीं है, मार्केट जब चलेगा तो ये शेयर भी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकते हैं। और ये पांच स्टॉक, पेनी स्टॉक आईटी सेक्टर के बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, ये फाइव पेनी स्टॉक है जो कि फंडामेंटली एक्सेलेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जा सकते हैं। पहले कंपनी का नाम है आयरन लिमिटेड, जो कि ई कॉमर्स के बिजनेस में काम करती है, जिसका आज का रेट था 13 रुपीज़ 90 पैसा एंड 52 वीक हाई था 26 रुपीज़। पी है 16 का एंड ईपीएस है 1 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.05। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 21 में था 2 करोड़ 67 लाख का प्रॉफिट, सितंबर में था 2 करोड़ 58 लाख का प्रॉफिट एंड दिसंबर 22 में हो गया 3 करोड़ 64 लाख का प्रॉफिट। प्रॉफिट लगातार अच्छी दे रही कंपनी, तो आयरन ये पहली कंपनी है जो कि ओनली 13 रुपीज़ की है। नेक्स्ट शेयर है ट्रेजरा सॉल्यूशंस लिमिटेड। ट्रेजरा सॉल्यूशंस लिमिटेड का आज का रेट था 47 रुपीज़, 52 वीक हाई था 96 रुपीज़। पी है ओनली 4 का एंड ईपीएस है 11 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.05। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आते हैं। दिसंबर 21 में था प्रॉफिट 3 करोड़ 35 लाख रुपीज़, सितंबर 22 में था 3 करोड़ 90 लाख रुपीज़ और दिसंबर 22 में था 3 करोड़ 45 लाख रुपीज़। तो ट्रेजरा सॉल्यूशंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वेदावाग सिस्टम्स लिमिटेड। वेदावाग सिस्टम्स लिमिटेड 36 रुपीज़ आज का क्लोजिंग था, 52 वीक आया था 72 रुपीज़। पी है ओनली 12 का, ईपीएस है 3 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.03। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 1 करोड़ 77 लाख रुपीज़, सितंबर 22 में था 1 करोड़ 84 लाख रुपीज़ एंड दिसंबर 22 में था 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़। कंपनी अच्छा प्रॉफिट देती है, तो वेदावाग सिस्टम्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। फोर्थ नंबर कंपनी का नाम है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, इसका आज का रेट था 52 रुपीज़, 52 वीक हाई था 95 रुपीज़। पी है 13 का, ईपीएस है 4 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0। कंपनी पे कोई डेट नहीं है। प्रोमोटर इसके अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 12 करोड़, सितंबर 22 में था 12 करोड़ एंड दिसंबर 22 में आया है 7 करोड़। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप। जी हाँ, ब्राइटकॉम ग्रुप आज का रेट था 16 रुपीज़ 45 पैसा, 52 वीक हाई था 110 रुपीज़। पी ओनली 3 का है, ईपीएस है 6.70 जो कि शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0। कंपनी पे कोई डेट नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार आते हैं। दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 371 करोड़ रुपीज़, सितंबर 22 में था 321 करोड़ रुपीज़ एंड दिसंबर 22 में था 544 करोड़ रुपीज़। ब्राइटकॉम ग्रुप भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो ये भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने आपको 5 स्टॉक बताए आईटी सेक्टर के पेनी स्टॉक, जो कि फंडामेंटली एक्सेलेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए हर बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी से आप इनको ऐड कर सकते हो, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होगा तो, जो कि हो सकता है जब मार्केट चले, आईटी सेक्टर चले, तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट ये सब स्टॉक दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।